ऑलराइट, सो इट्स 8:18 इन द मॉर्निंग, इट्स ट्यूसडे टुडे। लास्ट मैंने व्लॉग बनाया था 24th of January। आज मैं सोच रहा हूँ कि एक फुल ऑन स्टडी व्लॉग बनाते हैं। सुबह उठ के ना बहुत कन्फ्यूजन सी रहती है कि भाई करे क्या, मतलब माइंड पजल सा रहता है। तो इसका सबसे बढ़िया इलाज यही है, अपना जो शेड्यूल है ना एक बार बना के फिक्स कर दो, तुम्हें डेली दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने अपना ऑलरेडी शेड्यूल पहले से बना रखा है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं कभी पजल नहीं होता। अब मैं रोज़ उस रोड मैप को खोलता हूँ, मैं देखता हूँ अच्छा आज मुझे ये काम करना है। तो चलो अपना रोड मैप देखते हैं। तो ये रहा मेरा आज का शेड्यूल, मेरा मैंने मॉर्निंग रूटीन पूरा कर लिया है, तो इन सबको मैं टिक कर देता हूँ। अपने आर्टिकल पढ़ चुका हूँ सुबह सुबह उठते ही, मैं कर लेता हूँ। अच्छा, एक बहुत प्रो टिप देता हूँ, अगर तुम पीसी या लैपटॉप में यूट्यूब यूज़ करते हो और यूट्यूब से पढ़ाई करते हो, तो मेरा यूट्यूब कुछ ऐसे लोड होता है, जैसे लोड होने के बाद ये देखो सब ब्लर हो जाएगा। ये कोई ग्लिच नहीं है, ये ऐसा भी नहीं है कि मेरा वाईफाई स्लो है इसलिए हो रहा है, ये एक्चुअली मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है जिससे मुझे यूट्यूब में कुछ भी नहीं दिखता। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तुम यूट्यूब पर पढ़ाई करते हो ना, तो बहुत सारी अननेसेसरी एड्स और अननेसेसरी वीडियोज आती हैं जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तुम्हारा ध्यान भटकाती हैं, जिससे तुम मतलब पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते। तो देखो यूट्यूब कुछ ऐसा है, इसमें कितनी सारी अननेसेसरी चीज़ें, रील्स वगैरह ये सब आ रही हैं, तो ये भाई ध्यान भटकाती हैं और इनसे बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ जाता हूँ और YouTube को ब्लॉक ही कर देता हूँ। एंड नाउ यू कैन सी मेरा फिर से YouTube का होम पेज गायब हो चुका है। इस एक्सटेंशन का नाम है YouTube इज़ नो मोर, तो इसे तुम इंस्टॉल कर सकते हो अगर तुम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो YouTube देखने में। तो मैं अपना आज का शेड्यूल शुरू करता हूँ। अब मुझे सबसे पहले करना है कैलकुलेशन, मुझे आधा घंटा कैलकुलेशन करनी है जो मैं शीट से प्रैक्टिस करूँगा। सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में क्या क्या करना है वो मैं अभी अपनी कॉपी पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम करेंगे एडिशन, फिर हम करेंगे टेबल्स, स्क्वायर एंड क्यूब्स, ट्रिपलेट्स, CI के जो ईयरली रेट्स, स्क्वायर रूट देखेंगे। तो सबसे पहले हमें करनी है एडिशन। एडिशन में हमें क्या करना है ना, ऐसी हमें एक टेबल बना लेनी है। तो यार कैलकुलेशन मेरी पूरी हो गई है, डन। अब इसमें से जो पहला सेट है ना 50 क्वेश्चन का, वो मैं करूँगा अपने सेक्शनल मॉक से, उससे मतलब 20 मिनट के दो सेक्शनल मॉक लगाऊंगा 25-25 क्वेश्चन के, तो 40 मिनट में मेरे 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो अभी मैं ये टेस्ट बुक का सेक्शनल मॉक देख रहा था, और यू कैन सी कि इसमें टाइम अभी कितना बचा हुआ है। एज यू कैन सी अभी इसमें 4 मिनट कुछ, मतलब 20 मिनट का था ये, मैंने अराउंड 15 मिनट में 23 क्वेश्चन कर लिए थे, और दो क्वेश्चन मुझे पता है मेरे से होंगे नहीं, ये थोड़े से ज़्यादा हार्ड ही क्वेश्चन है। यार रैंक तो सही बनी, 14,000 लोगों ने यार ये टेस्ट दिया, मेरी 165 रैंक बनी इसमें, और जबकि मैंने दो क्वेश्चन छोड़ दिए थे, मुझे ऐसा लगा बहुत बेकार रैंक बनेगी, पर यार टेस्ट हार्ड था ये वाला। तो ये तो हमने फर्स्ट मॉक दे लिया, अपना सेकंड मॉक शुरू करते हैं। तो यार मैं अभी ये टेस्ट दे रहा था, अपना सेक्शनल टेस्ट दे रहा था, और इतने में मेरी बेल बजी, मुझे एक पार्सल आया है। देखो अमेजोन से मैंने एक बुक ऑर्डर की थी, वो पार्सल आ गया, उस चक्कर में मैं अपना मतलब टेस्ट खुला छोड़ गया, उसका उन्हें बंद नहीं करा, और उसे पार्सल रिसीव करने में लग गए 5-10 मिनट लग गए, और वो टेस्ट मतलब ख़राब हो गया, दूसरा सेक्शनल टेस्ट। तो मैंने एक बुक ऑर्डर की थी अपनी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए, तो दिस बुक इज डोंट शट अप। जिन लोगों को इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम होती है ना, उन्हें यार रीडिंग करनी चाहिए, और रीडिंग करने के लिए मतलब मैं पहले भी 5 बुक सजेस्ट कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में, एक तुम ये बुक भी ले सकते हो, ये भी। हाँ जी, तो सुबह से मैंने क्या कर लिया, कैलकुलेशन कर ली, अपने मैथ के दोनों सेट कंप्लीट कर लिए, वो करने के बाद मैंने खाना खाया और मैं थोड़ी देर धूप में बैठने चला गया। अब बज गए हैं 2:30 इन द आफ्टरनून, और यार काम बहुत सारे बचे हुए हैं और टाइम बहुत कम है। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा कैमरे में, अब मैं सीधा अपने टाइम लैप्स लगा दूंगा, क्योंकि यार 2:30 बज गए और बहुत सारा काम बाकी है अभी। एक तो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट मैंने इस बुक में कर दिया, जो बुक अभी आई थी ना, जो मैंने दिखाई थी अनबॉक्सिंग करते हुए, मैं उस बुक को लेकर पढ़ने बैठ गया और 2-3 चैप्टर पढ़ दिए उसमें, 1-1.5 घंटा उस पर लगा दिया मैंने खामा खामे। मैंने ना अपना फ़ोन हाइपर लैप्स में लगाया और इंग्लिश पढ़ने बैठ गया, 2 घंटा मस्त इंग्लिश पढ़ी, सोचा एक बढ़िया सा हाइपर लैप्स बन गया होगा। आगे फोन देखा, फोन का कैमरा ऑन ही नहीं करा मैंने, इतना मस्त हाइपर लैप्स बनता ना एक जगह फोन, बढ़िया। देखो दिखाता हूँ मैं, देखो मस्त यहाँ पे फोन से सेट करा हुआ था, और ना ये मैं सोचा रिकॉर्ड बटन दबाने भूल गया, मैं सोच रहा मस्त हाइपर लैप्स बन रहा है, कुछ नहीं बना इसमें। चलो कोई नहीं, इंग्लिश फिनिश होगी, आधी मैथ होगी, अब मैं करता हूँ जीके, मुझे 2 घंटे का जीके का लेक्चर लेना है, वो देखते हैं, उसका लैप्स जरूर बनाऊंगा यार। सो आई जस्ट फिनिश्ड माई GK क्लास, और अब देखो टाइम क्या हो रहा है, इट्स 8:48 PM। बाहर तो अंधेरा अंधेरा हो गया होगा, बाहर हो रहा है अंधेरा।
अब पता मेरा बस एक रीजनिंग का काम बचा है, मतलब रीजनिंग का मुझे एक चैप्टर करना था। आज मेरी इंग्लिश होगी, जीके होगी, मैथ कर ली मैंने, मुझे मैंने टाइपिंग भी कर ली, टाइपिंग मैंने कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस करी है, मैंने बुक रीड कर ली, आज के बस रीजनिंग रह गई। और रीजनिंग मेरा अब करने का मन है नहीं, तो मैं आज के लिए रीजनिंग स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि 9 बज गए हैं और अब मुझे अपनी वीडियो एडिट करनी है। 1-2 घंटे 3 घंटे अब मैं अपनी वीडियो एडिट करूँगा, फिर देखते हैं, सोने का भी देखते हैं फिर कुछ।